हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डू द पार्ट बी ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, अ बिजी मंथ। इन दिस चैप्टर, इन आवर प्रीवियस वीडियो, वी डन अबाउट द इंडियन रॉबिन एंड क्रो। आज हम देखेंगे आगे कोयल और बॉर्बेट के बारे में। You know that the coal sings sweetly. Do you know that this bird does not make its own nest? It lay its egg in a crow's nest. The crow hatch them along with its own egg. ठीक है कि आपको पता है कि जो कोयल है वो बहुत ही स्वीटली सिंग करती है, बहुत मीठा गाती है और जो उसकी साउंड है बहुत ही मीठी होती है। और जो कोयल है वो अपना बर्ड खुद नेस्ट खुद नहीं बनाती है, वो क्रो के नेस्ट में अपने एग्स को ले करती है और जो क्रो है वो हैच करता है एग्स को अपने एग्स के साथ। देयर इज़ ए स्मॉल ट्री नियर बाय, इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच। तो बताते हैं गिजू भाई कि यहीं पास में एक पेड़ है, उस पेड़ पे एक नेस्ट घोंसला लटक रहा है। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट, जो बर्ड्स हैं सभी बहुत ही अलग अलग होते हैं, बहुत ही प्यारे भी होते हैं। द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री, जो क्रो है बहुत ही ऊंचाई पे जाके अपना नेस्ट बनाता है ट्री के। द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हैच। ठीक है, जो डव है वो अपना नेस्ट कहाँ पे बनाती है, मेहंदी के ट्री में या कैक्टस के थॉर्न्स से, कांटों से। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन द अराउंड आवर हाउस ओन हाउस, इट मेक इट्स नेस्ट। जो स्पैरो है वो अपने ही घोंसले में पाई जाती है और वो अपना घोंसला खुद बनाती है। एनी वेयर ऑन टॉप ऑफ अ कबर्ड, ठीक, बिहाइंड अ मिरर, ऑन अ लैच। ठीक है, जो स्पैरो है वो कहीं भी अपना घोंसला बना देती है, कबर्ड के पीछे, दरवाजे के ऊपर, एनी वेयर। ठीक है, पिजन ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस, पिजन भी इसी तरीके से अपना नेस्ट बनाता है। ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डेजर्ट बिल्डिंग्स, ठीक है, पुरानी डेजर्ट बिल्डिंग्स में भी वो अपना घोंसला बनाते हैं। द बॉर्बेट और अ कॉपर स्मिथ बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विथ इट्स टक 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 कॉल, इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक। ठीक है, जो ये बॉर्बेट बर्ड है, जो कॉपर स्मिथ है, ये लोग क्या पेड़ के अंदर टक टक करके उसके अंदर घोंसला बनाते हैं, होल बनाते हैं और वही उनका घर होता है। एंड द टेलर बर्ड यूज इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बुश, ये देखिए इस तरीके से दो पत्तों की सिलाई करके साथ में वो अपना घर बनाता है टेलर बर्ड। सभी बर्ड्स के पिक्चर दिए गए हैं, देखते रहिएगा साथ में। इट लेज इट्स एग इन द फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इज हैज़ मेड दिस मेड दिस इज इट्स नेस्ट, और इस तरीके से अपना नेस्ट बनाता है दो पत्तों को ज्वाइन करके। सो चिल्ड्रन, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप लोग चैप्टर अच्छे से समझ रहे होंगे।